पड़ोसी युवक पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें, गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें चाकू से हमला किया गया था। परवलिया में हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने ही पड़ोसी युवक पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर जानलेवा हमला कर दिया था और वह मौके से फरार हो गया था। गाड़ी खड़ी करने को एक युवक पर पड़ोसी द्वारा जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को परवलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी ने गाड़ी खड़ी करने के विवाद के बाद ब्रिजेश अहिरवार पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को इलाज के चिराई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी वारदात करने के बाद फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। हाँ, ये रात के समय सिर्फ गाड़ी रखने की बात पर से झगड़ा हुआ था, और जिस पर बीच बचाव करने वाले व्यक्ति को चाकू मार के घायल कर दिया, जो भी हॉस्पिटल में है, और आरोपी को पकड़ लिया गया है। कितने वक्त नहीं, आरोपी को जब रात को घटना हुई थी उसके थोड़ी देर के बाद ही इन्होंने इसको पकड़ लिया था, थाना प्रभारी परवलिया ने। कितने